हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीकेंड तड़का बाय ईशा बख्शी। आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए कुछ स्पेशल रोटी। फ्रेंड्स, ये आप दिखेंगे तो आप भी इससे बनाएंगे ज़रूर। फ्रेंड्स, ये है गुड़ की रोटी। हमारे पुराने टाइम में हमारे जो बुज़ुर्ग लोग थे वो ये गुड़ की रोटी ज़रूर बनाते थे, खाना खाने के बाद या शाम को जब उन्हें भूख लगे तो ये गुड़ की रोटी ज़रूर खाते थे। फ्रेंड्स, आप ये बनाकर एक हफ्ते तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड़ की रोटी बनाने के लिए फ्रेंड्स, ये मैंने शक्कर ली है और इसको मैंने 1 बाउल शक्कर का लिया है, जिसे मैंने 1 बाउल वाटर में ही मैं इसको भिगो के रख दूंगी 15 to 20 मिनट्स के लिए। अगर आपके पास शक्कर नहीं है तो आप गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें आपको 5 पीस गुड़ के लेने पड़ेंगे और 1 ग्लास वाटर में आपको उसको भिगो कर रखना पड़ेगा। तो ये मैंने शक्कर ली है, जिसे मैंने 1 बाउल शक्कर ली है और उसको मैंने 1 बाउल वाटर में ही 15 से 20 मिनट के लिए पानी में भिगो के रखा है। और साथ में हमने 1 बाउल आटा लिया है, गेहूं का आटा लिया है, कोकोनट पाउडर लिया है मैंने साथ में ने सौंफ ली है, 1 स्पून सौंफ है और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं। फ्रेंड्स, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले गेहूं का आटा लेंगे 1 बाउल और उसमें मैंने ये सौंफ डाला है और हम इसमें चीनी का यूज़ ना करके हम शक्कर जो पानी में भिगो कर रखी थी ना फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको अच्छे से गूंदेंगे फ्रेंड्स। और साथ में मैंने इसमें डाल दिया है कोकोनट पाउडर, ये मैंने 2 स्पून कोकोनट पाउडर लिया है। और जैसे हम आटा गूंदते हैं वैसे हम इसे गूंदना है, अच्छे से मिक्स करना है। साथ में मैं इसमें देसी घी भी डालूंगी फ्रेंड्स। ये मैंने कच्चा नारियल होता है ना फ्रेंड्स, कोला जिसे बोलते हैं, साथ में वो भी डाला है कि जब हम ये रोटी खाएंगे तो इसमें हमारे कोकोनट पाउडर का टेस्ट तो आए, साथ में कच्चा नारियल भी ज़रूर आए। और अच्छे से हम इसे गूंद लेंगे। आप इस रोटी को बनाकर भी रख सकते हैं। और ये देखिए, ये मैंने ये गाय का देसी घी लिया है। इसमें घी की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए होती है क्योंकि इसको बिल्कुल सॉफ्ट बनाना होता है। ये देखिए, अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये ऐसे जैसे ऐसे बनेगा जैसे पूरी का आटा होता है ना, वैसे सॉफ्ट। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे और अच्छे से हम इसे गूंद लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए ऐसे, लास्ट में हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालकर और फिर से इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट बनता है। इसमें हमें बेलन की बहुत ही मुलायम करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, वरना हमें हार्डनेस बिल्कुल नहीं होगी इसमें। अच्छे से हम 5 मिनट तक हम इसको लास्ट में हम कम से कम अच्छे से गूंदेंगे 5 मिनट के लिए। आप इसको बनाकर रख भी सकते हैं, स्टोर करके आप एयर टाइट बॉक्स में रख सकते हैं और इसको खा सकते हैं। सर्दियों में भी आप इसको बना सकते हैं, गर्मियों में भी बना सकते हैं। बहुत ही अच्छी लगती है ये रोटी। हमारा आटा बिल्कुल तैयार है फ्रेंड्स। अब हम इसी के हम बॉल्स बना लेंगे, पेड़ा बना लेंगे हम आटे का। देखिए ऐसे, जो आटा मैंने गूंद कर रेडी करके रखा था ना, उसका मैंने ऐसे छोटे मीडियम पेड़े बना लिए हैं। और अब हम चकले बेलन की हेल्प से इसे हम अच्छे से बेल लेंगे।
चपाती की तरह बनानी है इसकी रोटी हमने, ये देखिए। और अब हम नॉनस्टिक तवे पर हल्का सा घी लगाएंगे और उसके बाद हम ये रोटी इस गरम तवे पर सिम गैस पर बनाएंगे। ये कम से कम पाँच से सात मिनट लगेंगे इस रोटी को दोनों तरफ से सिकने में। ये देखिए, एक साइड हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमने इसका साइड चेंज कर दी है। और फिर हम थोड़ा सा देसी घी और लगाएंगे ताकि ये जले ना, अच्छे से रोस्ट हो जाए। ऐसे ही हम सारी जितने पेड़े बनाए हैं सब पेड़ों को ऐसे ही हम रोटी की शेप पे बनाएंगे और तवे पर हम फ्राई करेंगे। कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं तो भी आप बनाकर ले जा सकते हैं इसको। बहुत इजी है बनाना और आप सबकी फैमिली मेंबर्स को भी बहुत पसंद आएगी। एक ये नई चीज़ है फ्रेंड्स। ये देखिए, हमारी दो चपाती बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। और गुड़ तो वैसे ही हेल्दी है खाने में, तो आप सब भी ज़रूर बनाना फ्रेंड्स ये वाली गुड़ की रोटी। ये देखिए, एकदम परफेक्टली रेडी है। हर चीज़ का इसमें फ्लेवर है और टेस्ट भी है। देखिए, आप रोटी में देख सकते हैं, आपको सौंफ भी नज़र आ रहे हैं, नारियल भी नज़र आ रहे हैं। कितनी अच्छी लग रही है दिखने में, तो वो खाने में कितनी टेस्टी होगी फ्रेंड्स। तो आप सब भी इसको बनाना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। आप इसको सर्दियों में भी बना सकते हैं। सर्दियों में आप इसको 15 डेज़ के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और गर्मियों में आप इसको 1 वीक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। ईज़िली ये ख़राब नहीं होगी बिल्कुल भी और आप सबके फैमिली मेंबर्स को बहुत ही पसंद आएगी ये शक्कर वाली रोटी। हम इसे गुड़ की रोटी भी बोल सकते हैं और शक्कर वाली भी रोटी बोल सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस है ये, तो मीठे में ज़रूर बनाना फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।